किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। सियासत पर सवाल, बजट पर बवाल, बजट पर तकरार, नीति आयोग का बहिष्कार। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश किया। बजट को लेकर केंद्र सरकार ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद के मानसून सत्र के दौरान बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। फिलहाल भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ये बजट जन विरोधी है। उन्होंने कहा किसी को न्याय नहीं मिला है, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या विपक्षी दल बजट पर चर्चा में भाग लेंगे तो खड़गे ने कहा हम प्रदर्शन करेंगे फिर देखते हैं। ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। सर, वुड यू बी पार्टिसिपेटिंग इन द जनरल बजट? अरे बंगाल, नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट देन विल सी। केंद्रीय बजट पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा बजट बहुत शानदार है और सभी ने इसका स्वागत किया। विपक्ष ये कहकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ दो राज्यों का बजट है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का आवंटन एक दो राज्यों के लिए नहीं, यह पूरे देश के लिए है। बुनियादी ढांचे से लेकर चिकित्सा माध्यम वर्ग के लोगों को छूट देना, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं या आदिवासियों को अलग पैकेज देना, ये सब देश के लिए किया गया है। यह कहना गलत है कि पूरा केंद्रीय बजट एक या दो राज्यों के लिए है। जैसे लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ही बिक चुका है, इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को सदन से भी माफी मांगना चाहिए, देश को भी माफी मांगना चाहिए। हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे लोग एग्जाम दे करके अच्छे पदों में काम करते हैं, देश का सेवा करते हैं, अगर एक दो लोग गलत हो जाते हैं। खड़गे के आवाज पर मंगलवार 23 जुलाई शाम INDIA गठबंधन के घटक दलों के सदन के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध जताने का फैसला लिया गया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को कहा था कि 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से अनैतिक है। इससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन एवं कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। चलिए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिरकार प्रदर्शन में किसने क्या कुछ कहा है। प्रदर्शन में शामिल शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा बजट देश का होता है, ये देश का बजट नहीं है, बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा हम बस इतना चाहते हैं कि वे सच बोलें और देश के युवाओं को गुमराह ना करें। वे नौकरियां कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने राज्य गेट ऐप भी गुमराह किया है, यहाँ तक कि बिहार को भी गुमराह किया गया है, कुछ राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ ड्रामा, प्रॉमिसेस व्हिच विल बी केप्ट इन द पेपर विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड, दैट्स इट। वही केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि गठबंधन को बचाने के लिए बजट में सभी राज्यों को छोड़ दिया है और केवल दो राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने कई राज्यों को भी गुमराह किया। वहीं कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट के विरोध पर कहा कि ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% राज्य और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को, उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को, डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ, बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप। बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे। तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 India।